नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। बहुत पुरानी कहावत है पर सही है, किस्मत खराब हो तो ऊंट पे बैठे को भी कुत्ता काट लेता है। आज मैथ्यू वेट के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। गलती से एक शॉट हवा में उठ गई, विराट कोहली ने आसान सा कैच छोड़ दिया और मैथ्यू वेट बिना देखे ही मान लिए कि कोहली कैच ले लेंगे और वो आउट भी हो गए। पर कोहली ने कैच छोड़ा और आधी पिच पर तब तक मैथ्यू वेट आ चुके थे, वापस लौटे भी मगर कोई फायदा नहीं हुआ। कोहली ने तुरंत विकेट कीपर के पास गेंद को फेंक दिया था तो कैच पर आउट नहीं हुए, लेकिन रन आउट मैथ्यू वेट जरूर हो गए। अगर क्रीज पर खड़े रहते या फिर कोहली की तरफ देखते तो शायद मैथ्यू वेट आउट ना होते। चलिए आपको बताते हैं कि कब, कैसे और किसकी गलती से आउट हुए मैथ्यू वेट। आठवें ओवर की आखिरी गेंद वाशिंगटन सुंदर ने डाला। सुंदर की गेंद को मैथ्यू वेट फ्लिक करना चाहते थे पर गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर जाकर लगी और हवा में उठ गई। कोहली बगल में ही खड़े थे, उनके पास कैच आया पर फंबल होने की वजह से एक आसान सा कैच उन्होंने टपका दिया। इधर शॉट लगाने के बाद मैथ्यू वेट आधी पिच तक आ गए थे और जैसे ही कैच कोहली के पास आया तो इन्हें लगा कि अब मैथ्यू वेट आउट ही है। लिहाजा निराश होकर अपना सिर उन्होंने नीचा कर लिया पर कोहली से कैच छूट गया और उन्होंने तुरंत विकेट कीपर के पास गेंद को फेंक दिया। जब तक मैथ्यू वेट को कैच छूटने का अंदेशा हुआ तब तक देर हो चुकी थी। इस तरह मैथ्यू वेट 58 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने 32 गेंदों का सामना करते हुए 10 चौके और 1 छक्के की मदद से इतने रन बनाए। आपको बता दें, भारत और मेजबान ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला सिडनी में खेला जा रहा है। इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।